महाराष्ट्र के गोलापुर में कदीम मस्जिद पर हुए हमले के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बयान जारी कर नाराजगी जाहिर की है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, कोल्हापुर के इस मस्जिद पर हमला एक टेररिस्ट अटैक है और इस तरह के हमले से 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है। कोल्हापुर में खुलेआम हिंदू राइट विंग संगठन के दर्जनों गुंडे वीडियो बनाते हुए मस्जिद पर हमला कर मस्जिद के मीनार और दीगर कुछ हिस्सों को शहीद किए हैं और मस्जिद में घुसकर कुरान जलाई और दीगर तोड़फोड़ करते देखे गए हैं। मस्जिद पर हमला करने के अलावा कोल्हापुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गजापुर विलेज में दंगाइयों की भीड़ ने मुस्लिम घरों पर हमला और लूटमार की है। ओवैसी ने कहा, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस की बीजेपी सरकार है और खुलेआम यहां दंगा करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है और अगर इस तरह का हमला किसी दूसरे रिलीजियस प्लेसेस पर होता तो अब तक कई मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते और हजारों मुसलमान आज जेलों में कैद होते। महाराष्ट्र में मस्जिद पर यह पहला अटैक नहीं है, पिछले 8 महीनों से लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की खामोशी दंगाइयों को बढ़ावा दे रही है और अफसोस की बात यह है कि खुलेआम मस्जिद पर हमला कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है पर मोदी के इशारों पर नाचने वाली गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कर रही है। इस हमले पर नाराजगी जाहिर कर ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों से क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को, जो वहाँ पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशा ही बनी बैठी रही। तो ये पूरा इनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहाँ की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्वगुरु बनना चाह रहे और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वगुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्वगुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डिलीबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की, इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करें, कितनों को अरेस्ट करें आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशा ही बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए, कोई तो आवाज़ उठाए ना। वो जो लोग, वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। तो ये 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 रेवड़ी नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है कि सुनिए आप, ये तो महाराष्ट्र की सरकार भी कर रही, दिल्ली की सरकार भी सब कर रही है, ये क्या है फिर ये? और आप उसमें क्या कर रहे हैं, एक दरगाह एक मस्जिद, अरे ये क्या है भाई? ये आप वन साइडेड फैसले ले रहे हैं। आप तो संविधान पे ओथ लिए ना, तो आपको सबको बराबर बराबर ट्रीट करना है। आप एक रिलीजन के कैसा हो सकते वहाँ की सरकार? मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, सवाल ये है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी की आप जब बात करते हैं वहाँ आपको सूट करता, फिर जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आ रही मस्जिद की, तो आप मस्जिद का प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? अगर वो मस्जिद पे हमला नहीं होता, किसी और की प्लेस रिलीजियस प्लेस पे हमला होता, तो अब तक आप लोग क्या करते? आपके हर TV चैनल पर आप लोग शुरू करते रेडिकलिज्म हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है, हम इसको दबा देंगे। अब तक इतने गुंडों से घर तोड़ दिए जाते अब तक। अब ये संभल में मेरे को मालूम हुआ कि ताज़िया जो निकालते थे उसका हाइट कम कर दिए। क्यों कर रहे हैं भाई ये चीज़ें? आप संभल की रिपोर्ट है, उत्तर में संभल है, वहाँ से मेरे को मालूम हुआ।
दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एमएसके मिल रोड अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक बिजगोरी गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स यदुला कॉलोनी एंड अल शरई पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड एडमिशन आर ओपन कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स